और एक गिरोह को पकड़ा है पुलिस ने, जिसमें 7 आरोपी हैं। इनके द्वारा षड्यंत्र करके एक व्यक्ति को, जो फरियादी है प्रकरण का, मोटरसाइकिल पर ले जाके एकांत में इसके साथ मारपीट और जो नगद राशि इसके पास थी और मोबाइल को लूट लिया गया था, उसके बाद से फरार थे। इसमें एक टीम का गठन किया गया, टीम ने मेहनत करके इसमें सभी आरोपी जो हैं गिरफ्तार किया है। इसमें कुल 7 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार करे हैं और जो मुख्य आरोपी है, षड्यंत्रकारी है इस घटना का, उसे पूछताछ में ये सामने आया है कि उसके भाई के साथ में जो फरियादी उसके होने वाले ससुर ने मारपीट करी थी और उसका बदला लेने के लिए उसने 6 अपराधियों को हायर किया और उसके बाद एक मारपीट की योजना बनाई, जिसके बाद मारपीट करके ये लूट को इन्होंने अंजाम दिया है। पुलिस ने इसमें सभी आरोपी अरेस्ट करे। इसमें कुछ जो आरोपी हैं उनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है, पुलिस और भी इनके जो रिकॉर्ड है उनको तलाशी। ये 3,000 रुपये इसमें बताई गई थी राशि कि ये मारपीट के लिए दी गई थी। और भी पूछताछ करने में स्पष्ट होगा स्थिति कि किस प्रकार से योजना इन्होंने बनाया, षड्यंत्र बनाया और क्या अन्य कारण इसमें।